साथी हमदर्दी को मानने वाले लोग हैं, इन कोर्ट से के जेलों को एनपीआर को नहीं मान करके मार देंगे। अगर तुम हमको नागरिक नहीं मानते तो हम तुमको सरकार नहीं मानेंगे। हम देश की जनता को नहीं भड़का रहे हैं, हम सिर्फ सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार कहे कि सीएए का एनआरसी और एनपीआर से कोई संबंध नहीं है। ये जमीन ही मेरी है, ये घर भी मेरा है, ये जमीन भी मेरी है, छीन के तेरे बाप से मेरे बाप ने आजाद जो किया। बाप ये मुल्क किसका है? ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, ये मुल्क किसी के बाप का नहीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितनी ताकत बाजुए कातिल में। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर में लगातार 11 साल से कुल हिंद मुशायरे का आयोजन किया जा रहा है और इस साल भी यहां पर मुशायरे का आयोजन किया गया है, लेकिन इस साल जो है मुशायरा जो है वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस मुशायरे में जो है काफ़ी फेरबदल किया गया है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पहले जो ये मंच यहाँ पर लगाया गया है, जो ये स्टेज है, ये स्टेज पहले जो है मित्तल ग्राउंड के जो गेट है उस तरफ रहता था, लेकिन इस बार यहाँ पर जो है मित्तल ग्राउंड में जो है गेट जो मंच लगाया गया है वो दूसरी तरफ लगाया गया है। आखिर ये यहाँ पर आखिर मुशायरे का ये जो मंच है इसको बदली क्यों किया गया, क्यों एक तरफ से दूसरे तरफ इस मंच को किया गया? और आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से जो जनता को यहाँ बैठने के लिए जो बंदोबस्त किया गया, यहाँ पर किस तरह से अब की बार सिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले 2 से 3 गेट इस मुशायरे में हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो है जानकारी मिल रही है कि इस मुशायरे में 5 गेट रहेंगे। किस तरह से यहाँ पर जो है सिक्योरिटी का बंदोबस्त रहेगा, और ख़ास तौर पे जिस तरह से आगे का आप जो ये देख रहे हैं इसमें वीवीआईपी के लिए जो है बैठने का बंदोबस्त किया गया है, इसके जो पीछे का हिस्सा है उसमें वीआईपी है, उसके पीछे जो है वो जनरल है, लेकिन जिस जो पीछे का एरिया है वहाँ पर जो है ये अब तक जो है ये मंच लगाया जाता था, लेकिन इस बार जो मुशायरा किया जा रहा है उसमें ये मंच जो है अब की बार दूसरी तरफ लगाया गया है। और ऐसा भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब की बार जो मुशायरा यहाँ पर किया जा रहा है इस मुशायरे में जो है कुछ बड़ी हस्तियां आने वाली हैं। हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं शमीम खान, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो ये मुशायरा 26 जनवरी के दिन होने वाला है, आखिर इसमें कौन कौन सी वो बड़ी हस्तियां हैं जो इस मुशायरे में शामिल हो रही हैं, कौन कौन से लोग हैं जो इस मुशायरे में आने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं शमीम खान। हम बताना चाहेंगे प्रहार टाइम्स के माध्यम से कि इस बार का ये जो मुशायरा है, मतलब अगर हम आपसे कहें तो 11 साल कंप्लीट हो चुका है इस्लामुद्दीन साहब, ये 12वां साल हमारा ये कुल हिंद एहतजाजी मुशायरा होने जा रहा है। इसको मैं मुशायरा नहीं कहता, इसको मैं कहता हूँ कि ये कुल हिंद एहतजाजी मुशायरा है। ये जो मुशायरा है ये मुशायरा CA, NRC और NPR के खिलाफ मुशायरा है। ये मुशायरे के अंदर जैसे हम बताना चाहेंगे, हम आपके माध्यम से लोगों को याद दिलाना चाहेंगे कि ये मुशायरा 11 साल तक 25 दिसंबर की रात में हुआ करता था, लेकिन 25 दिसंबर की जो हालात थी देश की, कहीं ना कहीं हमारा देश जल रहा था। हमारा देश जल रहा है, ये जलाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये हुकूमत है। इस हुकूमत में बैठा हुआ एक ऐसा इंसान जो हमेशा कहा करता था और कहा करता है कि हिंदुस्तान के अंदर हम खुशहाली लाएंगे, हिंदुस्तान की तरक्की होगी, हिंदुस्तान का डेवलपमेंट होगा, लेकिन हिंदुस्तान डूब रहा है, भारत डूब रहा है। जहां से उर्दू अदब जिंदा होता है, उर्दू अदब की खिदमत के लिए, उर्दू अदब को जिंदा रखने के लिए ही मुशायरा होता है। कुछ लोग, चंद लोग बातें करते हैं कि ये मुशायरा है, हम उनको बताना चाहते हैं इस मुशायरे के अंदर देश और दुनिया के वो शायर आ रहे हैं, वो हस्तियां आ रही हैं जो आकर के इस स्टेज से जहां हम खड़े हुए हैं वो बताएंगे, वो कहेंगे कि जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, जो जेएनयू के अंदर, जो जामिया मिलिया के अंदर, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे छात्रों को मारा गया, हमारे स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी हुई, उनको
डंडे लेके मारे गए, उनके सर पे हथौड़े लेके मारे गए इस्लामुद्दीन साहब, वो स्टूडेंट खून से लहू लुहान हो गए, वो स्टूडेंट आ रहे हैं इस स्टेज के ऊपर, जामिया मिल्लिया से, जेएनयू से और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फहद अहमद आ रहे हैं अपने तमाम साथियों के साथ। वो आकर के इस स्टेज से हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब मिनिस्टर के साथ खड़े होकर के, कन्हैया कुमार जी के साथ खड़े होकर के ये बताएंगे इस स्टेज से कि ये जुल्म और ज्यादती नहीं चलेगी इसके खिलाफ। अच्छा एक बात बताइए, जिस तरह से ये जो मंच मुशायरे का लगता है ये उस तरफ लगता था, लेकिन इस बार ऐसा क्यों लगाया गया है कि जो जानकारी मिल रही है कि क्या इस मुशायरे में इस बार जो है सीएम भी आने वाले हैं? देखिए इस्लामुद्दीन साहब, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, इस मुशायरे के हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर जितेंद्र वार साहब, इस मुशायरे में उनकी क्यादत में सैयद अली अशरफ भाई साहब की सरपरस्ती में रूता अवार्ड साहबा के वो इफ्तिताह मुशायरा ये जो होता है वो उसका इफ्तिताह करती हैं, और हमारे तमाम शहर के उलमाए कराम मौजूद शख्सियत, यहाँ तक कि महाराष्ट्र और हिंदुस्तान से लोग इस मुशायरे के अंदर आते हैं, क्योंकि ये देश और दुनिया का सबसे बड़ा मुशायरा होता है। इस मुशायरे के अंदर मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कन्हैया कुमार जी आ रहे हैं, इस मुशायरे के अंदर इमरान प्रताप गढ़ी जी आ रहे हैं, जो जाकर के जामिया मिल्लिया के अंदर, जो जाके शाहीन बाग के अंदर आज तक बैठे हुए हैं, हाशिम फिरोजाबादी साहब आ रहे हैं, सबीना अदीब जी आ रही हैं, जोहन कारपुरी साहब आ रहे हैं, इसके अंदर अशद आजमी आ रहे हैं, इसके अंदर असद मेहताब आ रहे हैं, इसके अंदर उर्षा अर्शी आ रही हैं, इसके अंदर अपना सुमन दुबे आ रही हैं, इसके अंदर सबीना अदीब आ रही हैं, इसके अंदर दुनिया के बड़े शायर सुनील जोगी जी आ रहे हैं, डॉक्टर सुनील जोगी जी आ रहे हैं, इस मुशायरे के अंदर महेश दुबे जी आ रहे हैं, इस मुशायरे के अंदर मैं लिस्ट बहुत फहरिस्त लंबी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये एहतजाजी मुशायरे के अंदर सिर्फ इनकलाबी शायर शायरात आकर के इनकलाबी इनकलाब जिंदाबाद के नारे देंगे, इनकलाबी शायर आकर के यहाँ इनकलाब की बातें करेंगे, और मैं कहना चाहता हूँ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितनी ताकत बाजुए कातिल में है। हम बताना चाहते हैं इस गवर्नमेंट को अपने तरह से जो सीएम के आने की बात सामने आ रही है, क्या सीएम आएंगे या नहीं आएंगे? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब तक बातें होती है। मैं भी जैसे आपने सुना है, अब तक जो जानकारी मिल रही है कि जिस हिसाब से ये मंच बनाया जा रहा है, ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो ये मंच बनाया गया है तो यहाँ पर जो है जगह छोड़ी गई है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो है कैबिनेट मिनिस्टर जो जितेंद्र आवाड है और जो सीएम उद्धव ठाकरे हैं वो लोग जो है यहाँ जो ये बनाया गया है यहाँ से जो है वो लिफ्ट के जरिए जो है बाहर निकलेंगे, मंच से मंच पे आएंगे। सर देखिए ये मेरा वीवीआईपी एंट्री गेट होगा, यहाँ से लोग एंट्री करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो शायर और शायरात होंगे वो आके यहाँ तशरीफ रखेंगे, लेकिन जो हमारे कुछ गेस्ट आने वाले हैं उसमें से यहाँ पे एक लिफ्ट होगी, ये लिफ्ट लेकर के उनको ऊपर आएगी, उसके बाद ये स्टेज पे पूरा एक कुछ टाइम के लिए पूरा लाइटिंग बंद हो जाएगी और हमारे मेहमान ऊपर आएंगे, और इसमें हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब होंगे। कौन आने वाला है उसके बारे में जानकारी दीजिए ना, कौन आने वाला है? आप सस्पेंस रख रहे हैं? सस्पेंस की बात नहीं है, बहुत सारी बातें हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब मंत्री महोदय जी वो बातों का ऐलान कर सकते हैं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, इस पूरी कमेटी का एक छोटा सा अदना सिपाही हूँ मैं, तो मैं इसका ऐलान तो नहीं कर सकता, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि इस मुशायरे की रोहे रवा, इस मुशायरे की शान आन मान शान हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब इससे एंट्री करेंगे। अगर बात सीएम साहब की है तो अगर सीएम साहब भी इस मुशायरे के अंदर आते हैं तो बहुत खुशी की बात हम लोगों के लिए होगी, ऐसा हमको भी सुनने में आ रहा है, लेकिन मैं आपसे कंफर्म नहीं बता सकता हूं कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ एक बात का उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं सीएम साहब को कि हमारे सीएम साहब ने और डॉक्टर जितेंद्र वार साहब ने नागपुर स्टेशन के अंदर हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब ने बात किया सीएम साहब से, और सीएम साहब ने इस बात का ऐलान किया कि एनआरसी सीए एक्ट जो है वो महाराष्ट्र में लागू नहीं किया जाएगा, इस बारे में उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं सीएम साहब को, और अगर हमारे इस मुशायरे में आ जाएं तो वाकई में इस मुशायरे में चार चांद लग जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और हमारे नेता से इस बात की रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अगर वो आते हैं तो उन्हें ज़रूर लेकर के आएँ।
और आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, जिस तरह से आप देखे होंगे कि जो यहाँ माइक कंपनी है वहाँ पर कुछ महिलाएं जो हैं विरोध कर रही हैं, विरोध पर बैठी हुई हैं इस कानून को लेकर, वहीं पर आप लोगों का ये मुशायरा यहाँ पर होने वाला है जिसको लेकर एक कुछ विरोध जो है इस पर जताया जा रहा है इस मुशायरे को लेकर, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं उनके समर्थन में शमीम खान ही नहीं बल्कि मुफ्ती साहब भी हैं, सोनू हाशमी भी हैं, मैं ही नहीं, ये मेरे साथी नहीं, उनके साथ देश का एक एक साथी, देश का एक एक नौजवान, देश का एक एक बुजुर्ग, हमारी बहनें, हम सब उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। लेकिन जो आपने कहा कि कुछ लोग इस मुशायरे का विरोध कर रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहता हूं, उनको इस बात का मैसेज देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं चाहता हूं कि अब देश के एक एक, जैसे शाहीन बाग बन चुका है, जैसे जेएनयू के अंदर चल रहा है, देश के एक कोने में चल रहा है एहतजाज, ऐसे ही देश के अंदर इस्लामुद्दीन साहब, ऐसे कुल हिंद मुशायरा एहतजाजी होना चाहिए। क्योंकि जब इनकलाबी शहर आएंगे आकर के अपने इंकलाब के नारों से हमें वो हमें इस बात का आगाह करेंगे, हमें जज्बात में लाएंगे, तो 100% ये चीज़ें, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये और कामयाब होगा। देश के अंदर ऐसे एहतजाजी मुशायरा होना चाहिए। रही बात जो आपने कहा कुछ लोग एहतजाज कर, कुछ लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, तो चंद गिने हुए वो 5 लोग हैं, मैं आपके माध्यम से उनका नाम लेकर के मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि वो जब भी मुशायरा होता है तो उनकी उस जबान से वो हमेशा गलत अल्फाज यूज़ करते हैं। कभी कहेंगे मनोवर राणा क्यों आ रहे हैं, कभी कहेंगे कि वो इमरान प्रताप गढ़ी नहीं आना चाहिए। मैं उनसे कहना पूछना चाहता हूं, आज मनोवर राणा साहब की बेटी के ऊपर केस हो गया, इमरान प्रताप गढ़ी जाकर के लड़ रहे हैं शाहीन बाग के अंदर, जाके लड़ रहे हैं हाशिम फिरोजाबादी, क्यों नहीं आना चाहिए? ये इनको हमारे मुशायरे को फेल करने के लिए, हमारे एहतजाजी मुशायरे को खराब करने के लिए, गलत मैसेज देने के लिए ये पॉलिटिकल अपनी रोटी सेकने काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, मैं अपने तमाम भाइयों को, तमाम बुजुर्गों को, तमाम बहनों से ये कहना चाहता हूं, आइए आइए 26 तारीख को शाम 7 बजे इस ग्राउंड के अंदर आकर के आप इस NRC और CA NPR के खिलाफ जो एहतजाजी मुशायरा है आके इसे कामयाब कीजिए। आइए हम आपको पट्टी भी देंगे यहाँ ब्लैक बांधने के लिए, आपके हाथ में हम प्ले कार्ड भी देंगे, आकर के आप यहाँ बैठिए, ये मेरे नौजवान साथी सब आकर के यहाँ बैठेंगे और एक ही नारा होगा, इनकलाब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, BJP गवर्नमेंट मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, ये हुकूमत की अब तानाशाही नहीं चलेगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितनी ताकत बाजुए कातिल में है। जिस तरह से आपने सुना कि जो हमें जानकारी मिली थी कि इस मुशायरे में जो है इस बार महाराष्ट्र के CM भी आने वाले हैं, और लेकिन जिस तरह से इस मुशायरे का हर साल आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार जो इस मुशायरे का आयोजन हो रहा है इसमें जो है जामिया और JNU के जो स्टूडेंट हैं वो इस मुशायरे में शामिल होने वाले हैं, कन्हैया कुमार भी आने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर जो है जानकारी दी जा रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो सरकार द्वारा CAA NRC NPR लाया जा रहा है इसके खिलाफ जो है इस मुशायरे में जो है ये मुशायरा जो है एहतजाजी मुशायरा बताया जा रहा है कि इसमें आपको दिखा दें कि जो ये मंच जो हर साल उस तरफ रहता था इस बार इस तरफ लगाया गया है। खास तौर पे यही जानकारी इसमें सामने आ रही कि जो CM आने वाले थे उनको लेकर जो है इस मंच का जो है अब की बार फेर बदल किया गया है, दूसरी तरफ ये मंच को लगाया गया है। और जिस तरह से इसमें जो दिल्ली के JNU जामिया के छात्रों का आने की बात सामने आई है कि वो छात्र भी आने वाले हैं, लेकिन एक बात और आपको बता दें कि इस मुशायरे को लेकर जो है शहर में तरह तरह की चर्चाएं हैं, कुछ लोग हैं जो इस मुशायरे का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है 26 जनवरी को ये मुशायरा यहाँ मित्तल ग्राउंड में होने वाला है। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।